हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपसागर ट्यूटोरियल्स। मैं दिलीप सर, आज आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स टू स्टडी। किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है? यूटिलिटी के बारे में स्टडी करना है। तो दोस्तों, यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, जो हमारी चाहतों को संतुष्ट करे, जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करे, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। तो बहुत सिंपल से शब्दों में हमें जान सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है। सो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्ट। तो जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करे, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। आप तो ये जानते हो ना कि वांट्स क्या हैं ह्यूमन बीइंग के? अनलिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं। तो वही लिमिटेड रिसोर्स जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है, यूटिलिटी कहते हैं बच्चों। अब यूटिलिटी का फीचर्स क्या है? मैंने उसका पंचलाइन दिया है, शॉर्टकट दिया है, रसम, RESUM। हम लोग रसम का फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो R से पॉइंट है, E से पॉइंट है, S से, U से 6 पॉइंट है और M से पॉइंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रसम का फीचर्स। अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग रस्में होती हैं। हम उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं और वो जो रस्में होती है, एक तरीके से वो सेटिस्फैक्शन उस पर्टिकुलर सोसाइटी को प्रोवाइड करता है। तो आर से पॉइंट क्या है? आर से पॉइंट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट में क्या समझना है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहना चाहता है कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये रिलेटेड है टाइम से, ये रिलेटेड है प्लेस से। मतलब ये है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल यहाँ पे वुलन क्लोथ है। हम अगर कुल्लू मनाली जाते हैं मुंबई से, तो मुंबई और कुल्लू मनाली देखिए दो अलग अलग प्लेस हैं। वहाँ पे ठंड होती है, जिसकी वजह से उस प्लेस पर वुलन क्लोथ की यूटिलिटी बढ़ जाती है। मतलब वुलन क्लोथ गिव मोर सेटिस्फैक्शन एट कुल्लू मनाली। सो सी, लेकिन वही अगर मुंबई में रहता तो वुलन क्लोथ उतना सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि हम लोग वुलन क्लोथ नहीं पहनते। अगर मैं अम्ब्रेला की बात करूँ, अम्ब्रेला हैव मोर यूटिलिटी इन रेनी सीजन देन इन विंटर सीजन। देख रहे हो, टाइम की बात कर रहा हूं मैं। मतलब अम्ब्रेला की यूटिलिटी रेनी सीजन में ज्यादा है, न कि विंटर सीजन में। तो यूटिलिटी क्या हो गई बच्चों? इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट में यह समझना है कि जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं, जब हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी की बात करते हैं, तो हम ये देखने नहीं जाते कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसका यूटिलिटी कैसा है, गुड है कि बैड है, राइट है कि रॉन्ग है। बस ओनली थिंग इज कि वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, वो हमें संतुष्टि प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर नाइफ की बात करें, तो नाइफ अगर बात करें हाउसवाइफ की, तो इट इज यूज टू कट द वेजिटेबल्स। तो नाइफ का यूटिलिटी क्या हो गया? वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। ये सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है किसको? उस हाउसवाइफ को। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी सेम प्रोडक्ट नाइफ की बात करूं, अगर कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डरर है, तो उस नाइफ का यूज किस लिए करता है? मर्डर करने में, क्राइम करने में। तो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या हो गई बच्चों? अलग अलग हो गई। तो यूटिलिटी इज ए न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। मतलब प्रोडक्ट का यूटिलिटी सेम प्रोडक्ट का अलग अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पे वो प्रोडक्ट की बात अगर करें, तो ये नहीं देखने जाता कि दैट प्रोडक्ट इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। बस
यही चीज है कि हमारे सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है एस से पॉइंट है, अगर आप यहां पे ध्यान दीजिए तो एस से पॉइंट है। एस से है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स पर्सन। अगर हम लोग बात करें स्टेथोस्कोप की, तो स्टेथोस्कोप हैज मोर यूटिलिटी टू डॉक्टर। डॉक्टर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, डॉक्टर यूज करता है, न कि नॉर्मल ह्यूमन बींग। उसी तरीके से अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन हैज मोर यूटिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर मैं पेन की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, यूटिलिटी इज डिफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एज आई सेड कि यू से छह पॉइंट है, तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी, तो यूटिलिटी क्या कहता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। जबकि यूजफुलनेस कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क और लीकर की बात करें हम लोग, तो मिल्क का जो है यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है और यूजफुलनेस भी है। इफ वी कंज्यूम मिल्क, तो मिल्क हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेटिस्फैक्शन भी, और हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी है, हेल्दी भी है। जबकि मैं लीकर की बात करूं, शराब की बात करूं, अल्कोहल की बात करूं, तो बच्चों ये जो है हमें सेटिस्फैक्शन तो प्रोवाइड करेगा, उस अल्कोहलिक पर्सन को सेटिस्फैक्शन तो देगा, लेकिन क्या वो यूजफुल है, नहीं। तो इसीलिए क्या यहां पे कहा गया है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यू से ही है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस। मतलब सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दोनों सेम नहीं हो सकते, बोथ आर डिफरेंट। अगर मैं किसी सिक पर्सन की बात करूं, बीमार व्यक्ति की बात करूं, तो बीमार व्यक्ति अगर उसको इंजेक्शन दिया जाता है तो क्या होगा, वो क्योर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, मतलब उनका जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो क्या इंजेक्शन लगाने से हमें खुशी होती है, हम डॉक्टर को बोलते हैं भाई इधर मार दे, इधर मार दे, सब जगह इंजेक्शन मार दे, नहीं। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब हैप्पीनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट यू से है बच्चों, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। देखिए अब मैं इसके पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों तो सेम ही है, लेकिन अगर इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। वैसे तो देखा जाए यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इंटर रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड। लेकिन यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, जबकि सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। जैसे कोई थर्स्टी पर्सन है, कोई प्यासा व्यक्ति है और उसे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो जो प्यास वो जो पानी को कंज्यूम करेगा, वो पानी को जो कंज्यूम करेगा, दैट इज व्हाट माय डियर यूटिलिटी। लेकिन पानी पीने के बाद जो उसे संतुष्टि मिलेगी, पानी पीने के बाद जो उसको इसके अंदर फीलिंग आएगी, दैट इज व्हाट सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट द फीलिंग विच अ पर्सन डिराइव इज सेटिस्फैक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई मेनी वॉन्ट्स। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैव यूटिलिटी इन द डिफरेंट फॉर्म। इसका इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग बल्ब जलाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबलाइट चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग एसी चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं। सो वी आर सेटिस्फाइंग मेनी वॉन्ट्स फ्रॉम द सिंगल प्रोडक्ट, एंड दैट इज वॉट इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरीके से बच्चों मिल्क ऑल्सो हैव और मिल्क ऑल्सो सेटिस्फाई मेनी वॉन्ट्स। मिल्क इज द सिंगल प्रोडक्ट, मिल्क से हम तरह तरह के सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने वॉन्ट्स को, जैसे कि मिल्क से घी बनाया जा सकता है, मिल्क से बटर बनाया जा सकता है, मिल्क से पनीर बनाया जा सकता है। सो वी कैन सेटिस्फाई मेनी वॉन्ट्स। सो इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट आया है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, तरह तरह के पर्पज के लिए हम लोग उस सेम प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। आपकी वॉन्ट्स कितनी तीव्र है,
आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपके अंदर कितनी तीव्रता है, कितना इंटेंस है, कितना स्ट्रांग आपका वांट है। जैसे कोई हंग्री पर्सन है, कोई भूखा व्यक्ति है, तो बच्चों उनकी जो भूख मिटाने की, जो फूड फूड की बात करें, फूड की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। फूड विल सेटिस्फाई और फूड विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द हंगर पर्सन। नेक्स्ट वी हैव यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर कोई प्रोडक्ट हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा तभी तो हम उसका डिमांड करेंगे। तो इसलिए यहां पे पॉइंट आया, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। द प्रोडक्ट इज डिमांडेड ओनली व्हेन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैव द यूटिलिटी फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन। नाउ द लास्ट पॉइंट विच वी हैव इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल साइकोलॉजिकल मेंटल कॉन्सेप्ट मीन्स यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड माई डियर। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। मम्मी ने खाना बनाया, हम ऐसा नहीं बोलते अरे मम्मी क्या 10 नंबर वाला खाना बनाया है आपने। हम बोलते वाह क्या टेस्टी खाना है। सो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। नंबर में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, नंबर में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कंपेयर किया जा सके। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैसा है बच्चों? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो बच्चों ये हम लोगों ने डिस्कस किया यूटिलिटी और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का शॉर्टकट क्या है? रसम का फीचर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। आर से पॉइंट है, ई से पॉइंट है, एस से है, यू से 6 पॉइंट है और एम से 1 पॉइंट है। हम लोग ने पॉइंट पढ़ा आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ई से एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, एस से क्या पढ़ा? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। देन वी हैव यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड एंड मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। बच्चों इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो है नॉर्मली एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। आपको लगभग 7 से 8 पॉइंट जरूर लिखने हैं इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। जब भी पूछेगा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यू हैव टू राइट व्हाट इज एग्जैक्टली यूटिलिटी एंड देन स्टार्ट विथ द फीचर्स।